खरगोन में भी खुले में मांस और मछली बेचने वालों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है, प्रशासन ने एक्शन लिया है। आज खाद्य सुरक्षा और पुलिस विभाग ने खुले में मांस बेचने वालों को दुकानदारों का पंचनामा बनाया, बड़ी मात्रा में मांस जब्त भी किया है। इस दौरान नगर पालिका के राजस्व अधिकारी ने खुले में मांस बेचने वाले व्यापारियों को चेतावनी दी। जिला प्रशासन की कार्रवाई से कई दुकानदार अपनी दुकानें समेटते दिखे। आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जैसे ही पदभार ग्रहण किया, कैबिनेट की बैठक की, सबसे पहले उन्होंने खुले में मांस बेचने पर प्रतिबंध लगाया और कार्रवाई को लेकर फूड सेफ्टी के अधिकारी अब कह रहे हैं कि नगर पालिका की टीम दुकानों का औचक निरीक्षण भी कर रही है और जिनके पास लाइसेंस नहीं है उन दुकानदारों के पंचनामे भी बनाए जा रहे हैं। मटन दुकाना का औचक निरीक्षण किया जा रहा है नगर पालिका प्रशासन की टीम के द्वारा और इनके हम लोग लाइसेंस वगैरह हम लोग देख रहे हैं, इनके लाइसेंस है कि नहीं, जिनके लाइसेंस नहीं है उनके हम लोग पंचनामा वगैरह बना रहे हैं और जहाँ पे अगर नहीं है तो इनके हम जब्ती भी बना रहे हैं और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। कुछ कुछ दुकानों में कुछ खुले में मिला हमको तो उनकी हमने जब्ती भी करी है। शासन के आदेश है कि खुले में मटन मांस नहीं बेचे, लाइसेंस के प्रूफ इंस्पेक्टर भी है हमारे साथ, वो जाँच कर रहे हैं।